फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के अंडर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एड क्रिएशन। और एड क्रिएशन जो है वो कन्वर्जन टाइप का है, बेसिकली कैटलॉग सेल्स। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगभग फेसबुक के सारे ऐड सिमिलर ही हैं, बस आपको ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है। कैटलॉग सेल्स में आप अपने बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, जैसे कि कैटलॉग सेल्स में और बाकी में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने एक पेज खोला हुआ है अपना, इस पे हम शॉप वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो वेट अ मिनट, देखिए यहाँ शॉप वाले हम ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ हमारे कोर्सेज आप देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर ही हमारे प्रोडक्ट ये दिखाई दे रहे हैं। इसको कहते हैं कैटलॉग, कि कैटलॉग में आपने प्रोडक्ट अपने ऐड कर रखे हैं। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला अभी अप्रूव्ड नहीं है, ये कोर्स हमने कैंसिल कर दिया है। तो ये 6 कोर्सेज आप देख पा रहे हैं, ये कैटलॉग का पार्ट है इसका। बेसिकली डायरेक्टली आप यहाँ से सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐड इस बारे में है। तो अभी हम जो डेमो जिससे हम सीख रहे हैं वहाँ पर इसको नहीं हम अच्छे से देख पाएंगे, कारण कि वहाँ पर अभी जो पेज हमने बनाया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट है ही नहीं एक्चुअल में। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि इसको करना क्या है आपको। आपको यही ये जो ग्रीन बटन है क्रिएट, इस पर जाना है ऐड बनाते समय अपने ऐड मैनेजर में, ऐड अकाउंट में, और यहाँ आपको कैटलॉग सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर ये हमारे केस में दिखा देगा अभी कि कैटलॉग में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम आगे जाएंगे, राइट। ये देखिए यहाँ पर आ गया कैटलॉग सेल्स, एंड कैटलॉग कौन सा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर दिस। तो इसके लिए मैं आपको इस अकाउंट से दिखाता हूँ जिससे कि आप बेटर समझ पाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। तो इसका हम ऐड अकाउंट लोड कर लेते हैं, जो हमारा ऐड अकाउंट चालू है अभी। तो ये मल्टीपल ऐड अकाउंट है, ये एक्चुअल में बिजनेस मैनेजर है, तो हमारे पास बहुत सारे अकाउंट है। तो यहां हम जाएंगे क्रिएट एंड कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स के बाद यहां हम चूज करेंगे किस पेज का दिखाना है, तो ये वाला पेज, इसके प्रोडक्ट दिखाए जाएं। कैटलॉग सेल्स कैंपेन का नाम आप दे दीजिए, कैटलॉग सेल्स टेस्ट 1 अभी हमने दे दिया, डेली बजट हमने इसका डेली बजट 200 कर दिया है, कंटिन्यू। उसके बाद एड सेट का नाम देना है यहाँ पर सबसे ऊपर, एंड देन प्रोडक्ट सेट कि आप कौन से प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, राइट। ऑल प्रोडक्ट, तो ऑल प्रोडक्ट अपने यहाँ पर आपके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए 7 प्रोडक्ट हैं, व्यू प्रोडक्ट कैटलॉग, तो ये अपने आप 7 के 7 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एंड देन अगर आप ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऑफर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया कि भी रीटारगेट ऐड टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक, कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को फेसबुक पर या फेसबुक के अलावा मान लीजिए आपकी साइट पर या आपकी एप्लीकेशन पर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली है, उनको दिखाना चाहते हैं, या फिर फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टिव विद योर बिजनेस, कि आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढ रहे हैं, वो लोग जो कि शायद आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अभी हम यही चूज करने वाले हैं। उसके बाद कस्टम ऑडियंस में जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन, एज, जेंडर, उसके हिसाब से आप वही सारे पुराने ऑप्शन आपके पास हैं। प्लेसमेंट आप चूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपकी बजटिंग आ गई कि आप कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, शेड्यूल क्या रन करेंगे, एंड देन पेमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपका सामने आ गया।
लेकिन अभी हमने ऑडियंस को चूज नहीं किया है, तो हाँ यही रखते हैं हम। उसके बाद कंटिन्यू, नेक्स्ट एड का नाम, आइडेंटिटी, आपका पेज का नाम, इंस्टाग्राम पेज का नाम, फॉर्मेट आप किस तरीके का रखना चाहेंगे, तो डायनेमिक फॉर्मेट एंड क्रिएटिव आ गया इसमें, कैटलॉग यह आपका आ गया, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट सेट ऑलरेडी आ गया, डायनेमिक वीडियो आ गया, राइट। तो इस तरीके से प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका कोर्स ऐसे दिखाई देगा। प्राइमरी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाय अवर कोर्सेज ऑन लेट्स से न्यू ईयर सेल, गेट अप टू 70,000 INR इन डिस्काउंट। तो ये हमने हेडिंग डाल दी, और हेडलाइन में आप प्रोडक्ट का नाम दिखाना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट का नाम दिखाना है तो आप यहाँ फिर से ब्रांड, रिटेल, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप चले जाइए, नेम तो प्रोडक्ट का नाम आ गया, या आप प्रोडक्ट का नाम ना दिखाकर लग से प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ आप प्राइस भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे दिखेगा, तो अभी ये काफ़ी नाम बड़ा है इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये आप देख सकते हैं कि कैसा दिखने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखना चाहते हैं, कुछ अलग से लिखना चाहते हैं, या ये जो सेम चीज़ है वो लिखना चाहते हैं वो आप रख लीजिए, और सी मोर URL क्या होगा, राइट, डिस्प्ले लिंक क्या होगा, एंड डीप लिंक टू वेबसाइट। बेसिकली डीप लिंक का मतलब ये है कि जो आपका कैटलॉग है वो स्पेसिफिक लिंक पर लोगों को लेके जाएगा। मोबाइल ऐप में खुलेगा तो ऐप चूज कर लीजिए, ओपन डीप लिंक इन मोबाइल ऐप, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, या ओपन डीप लिंक इन अ मोबाइल वेब ब्राउजर, तो वहाँ पर खुल जाएगा, जहाँ पर आप चूज करना चाहें। कॉल टू एक्शन डेफिनेटली शॉप ना हो, क्योंकि आप बेच रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ तक जो चीज़ें हैं बस ये एक इसमें पार्ट है जो डिफरेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं कैटलॉग सेल्स में, बाकी सारा कुछ सेम है। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, अपने फेसबुक पेज पर प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा, उसके बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर आपके फेसबुक पेज पर शॉप का बटन नहीं है तो आप टेम्पलेट्स में जाकर उसको ऐड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक बार आपने ऐड कर दिए, कैटलॉग एक बार आपका रेडी हो गया, तो आप इस तरीके का ऐड दिखा सकते हैं। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑल राइट।